अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्पेशल गुलाबी जामुन। तो देखिए, हमारे पास जड़ पाव खवा है, ये इलायची का पाउडर है, 1.5 किलो शक्कर है और ये 1/2 किलो प्रीमिक्स का पैकेट है। हम इस प्रीमिक्स से बनाएंगे, एकदम स्पेशल गुलाब जामुन बनते हैं इससे। तो सब में पहले हम शीरा बनाएंगे। अब हम इसमें 6 ग्लास पानी डालेंगे। देखिए, हमने इसमें 6 ग्लास पानी डाले हैं और इसमें ये इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और गैस चालू करेंगे और ये शक्कर पिघलने तक हम ऐसे ही चमचा चलाते रहेंगे, नहीं तो शक्कर नीचे लग जाएगी। देखिए, हमारी चाशनी को अच्छे से उबाल आ चुका है और ये हमारी चाशनी का कलर ऐसा हल्का सा गोल्डन हो चुका है। तो हम इसमें 1/2 कटोरी दूध डालेंगे, इसे अच्छा उबाल आने देंगे और ये ऊपर इसके पूरे झाग आ जाएगा तो हम इसे निकालेंगे, चाशनी का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, चाशनी के ऊपर हमने दूध डाले थे तो ये इसके ऊपर पूरा झाग आ चुका है। अब हम ये झाग को निकाल कर आपको बताएंगे। देखिए इस तरह, देखिए ये चाशनी का कलर पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह हम पूरा इसका झाग निकाल लेंगे, इससे चाशनी बहुत ही अच्छी बनती है, चाशनी का कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, लाल नहीं रहता। देखिए, हमने इसमें दूध डाला था तो इसका कलर कितना अच्छे से हो चुका है चाशनी का। अरे देखिए, इतना इसमें से झाग निकला है, ये पूरा झाग दूध का है और इससे चाशनी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है और चाशनी टेस्टी भी हो जाती है इससे। अब हम इसे 2-4 उबाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए, हमारी चाशनी को 2-4 उबाल आ चुके हैं और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए, हमारी चाशनी बहुत अच्छे से बनी है। अब हम इसे आपको बताएं, देखिए इस तरह, देखिए ये बहुत ही अच्छे से एकदम चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और अब गुलाबी जामुन की तरफ चलेंगे। देखिए, हमें एक छीन लेंगे, इसके अंदर ये हमारा प्रीमिक्स डालेंगे। देखिए इस तरह से है ये प्रीमिक्स और अब हम इसमें ये प्रीमिक्स आप ऐसे ही बनाएंगे तो गुलाबी जामुन बनेंगे लेकिन इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। तो आप इसके अंदर खवा मिला देना, तो खवा मिलाने से बहुत ही स्पेशल बन जाते हैं वो। देखिए इस तरह हम खवा पूरा इसके अंदर खवा और ये प्रीमिक्स को एक जान कर लेंगे। देखिए, हमें खवे को और प्रीमिक्स को इस तरह से ऐसा एक जान कर लेना है, दोनों भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो गुलाबी जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है इसे। देखिए, हमने खवे को और प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसे गूनेंगे। देखिए इस तरह चारों तरफ से आप इस पर पानी डालते जाएं और गूनते जाएं, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, धीरे धीरे डालना है और जैसा अपन आटा गूनते हैं वैसे ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं वरना गुलाबी जामुन नहीं बनेंगे। देखिए, हमने इसका अच्छे से इस तरह डो बना लिया है, बस इतना ही नरम होना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये गुलाबी जामुन बनेंगे नहीं अच्छे। बस देखिए इतना हो। अब हम इसके गुलाबी जामुन बनाना शुरू करें। आपको अगर बड़े बनाना है तो बड़े भी बना सकते हैं और मैं इसके देखिए इतने मीडियम साइज़ बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। ये तलने के बाद और चाशनी में डूबने के बाद और बड़े हो जाते हैं तो हमें इसका मीडियम ही साइज़ रखना है। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह मैं इसी तरह से ये सारे बनाकर रख दूंगी। देखिए, हमारे सारे गुलाबी जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे घी में तलेंगे। हमने देखिए इसमें एक कढ़ाई में घी लिया है, इसे डीप फ्राई करना है।
देखिए अब ये हमारा घी गर्म हो चुका है, अब धीरे धीरे हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। इस तरह अब हम ये जितने इसमें आएंगे हम उतने गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे, और ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो ये चूरा हो जाएंगे। अपने हिसाब से ही रखना है, देखिए इस तरह, और इसे ऐसे हलाएं, देखिए ऐसे। देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और इसे ऐसे ही चलाते रहें, नहीं तो एक तरफ से जल जाएंगे एक तरफ से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसे धीरे धीरे ऐसे चलाते ही रहना है, तो ये एक सा उसका कलर आएगा। देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, एकदम मीडियम ही रखना है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे घी से बाहर निकाल लेंगे, और इसी तरह ये सारे गुलाबी जामुन हम तल लेंगे। देखिए हमने इसमें दूसरे गुलाबी जामुन और डाल दिए हैं, इसे भी हम ऐसी हलाएंगे और ऐसी धीरे धीरे गोल्डन कर देंगे, और इसी तरह हम सारे तल कर रख देंगे। देखिए हमारी चाशनी भी अच्छे से बन चुकी है, और ये ठंडी एकदम अच्छी ठंडी हो चुकी है, और ये हमारे गुलाबी जामुन भी पूरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम गुलाबी जामुन को चाशनी में डालेंगे। इसे अच्छे से भीगने देंगे, और आप इसे एक महीना 15 दिन 8 दिन तक भी रखकर खा सकते हैं, ये बहुत देर तक के रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और इसे फ्रिज में नहीं रखना है, इसे बाहर ही रखना है, नहीं तो फ्रिज में रखेंगे तो ये कड़क हो जाएंगे। इसको पानी के अंदर रखना है, ठंडे पानी के अंदर, जो भी अपना बर्तन है उसे ठंडे पानी में रखकर रखना है। देखिए अब इसमें चाशनी में हम इसे अच्छे से डुबो देंगे, देखिए इस तरह, और इसे 2-4-8 दिन तक के रख कर खा सकते हैं आप, और इसे 2 दिन तक के अच्छे से भीगने दें और फिर खाएं आप, बहुत अच्छे लगते हैं ये, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, और एकदम स्पेशल गुलाबी जामुन बनकर तैयार हुए हैं ये। देखिए हमारे गुलाबी जामुन बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं, और कमेंट्स में बताएं हमारे गुलाबी जामुन कैसे बने हैं, आप भी बनाएं खाएं। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।